हम हमेशा अपना वक्त दूसरों के साथ बिताते रहते हैं और अपनी सारी तकलीफें उनसे बांटते हैं, ये सोच के कि हर चीज का समाधान कोई और ही देगा। पर इस पूरी प्रतिक्रिया में हम ये भूल जाते हैं कि हमें सबसे अच्छा जानने वाला कोई और ही है, और वो है हम खुद। जिस तरह से हम खुद को जानते हैं, उस तरह से हमें कोई नहीं जान सकता। सब हमारा मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं, पर हमारी शक्ति और हमारी कमजोरी का आंकलन सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही कर सकते हैं। अकेले कुछ वक्त समय बिताना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं, हमारे कुछ ऐसे विचार निकल कर आते हैं जो हमारे जीवन को एक खूबसूरत दिशा दे सकते हैं। जितना हम अकेले वक्त बिताएंगे, उतने नए समाधान हम तक आते रहेंगे। कहते हैं प्रार्थना एक ऐसी प्रतिक्रिया है जब इंसान भगवान को अपनी दुआ पेश करता है, लेकिन ध्यान यानी एकांत में बैठकर शांत रहना एक ऐसी प्रतिक्रिया है जहां खुदा इंसान से वापस बात करता है। क्या संदेश देना चाहती है वो दिव्य शक्ति आपको, उसको जानने के लिए हमें एकांत में और ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शांत और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, हथेलियां अपनी गोद में रख लें, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान रखें और अब मेरी आवाज से जुड़े रहें। एक लंबी गहरी सांस भरें और अब इस सांस को रोक लें और अब धीरे धीरे मुंह से इस सांस को छोड़ते हुए शरीर को खुलने दें, ढीला होने दें, हल्का होने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, इसे रोकें और अब धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को तनाव मुक्त होने दें। एक और लंबी गहरी सांस भर के इसे रोकिए और मुंह से सांस छोड़िए और देखिए कि आपका माथा, भौहें, चेहरा, कान, गर्दन, कंधे सब ढीला हो रहा है। सारा तनाव आपके बाजुओं से, पैरों से, टांगों से, कमर से बहकर नीचे को बह जा रहा है, जिससे कि शरीर अब किसी भी तरह के संदेश पाने के लिए खुल चुका है। ऐसे संदेश जो आपके अवचेतन मन में बदलाव लाए। अपना पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के ठीक निचले हिस्से पर ले जाएं और देखिए कि किस तरह से शक्ति हर वक्त यहाँ से ऊपर तक आपके मस्तिष्क तक जाती रहती है। इस पूरे रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट हो, आपके हृदय में, आपके पेट पे, आपके गले में, तो उसे महसूस करें। और अब उस हिस्से से आप अंतर मन से ही बात करें, क्या है वो स्थिति जो मैं अपने अंदर अपने याददाश्त में रखे हुए हूँ, कौन से ऐसे विचार हैं जो आज तक मेरे जीवन को बांध के रखते हैं। जो भी आ रहा है उसको याद रखें और जब हम ध्यान से बाहर निकलेंगे, आप उन पर किसी भी तरह के सकारात्मक काम कर सकते हैं। ऐसी क्या आदत है जिसको छोड़ने के बाद मेरा जीवन और सफल हो सकता है? पूछिए अपने आप से, वो क्या काम है जिसको करने से मैं अपने आप को शांत और स्थिर मन में रख सकता हूँ? मैं अपने अंदर ऐसे कौन से बदलाव ला सकता हूँ जिससे कि मैं खुद को सबसे परम रूप में महसूस कर सकूँ? मैं कौन हूँ? मेरे लिए क्या चीज़ें मायने रखती हैं? वो चीज़ नहीं जो संसार ने, लोगों ने मुझे बताई हो कि मेरे लिए ज़रूरी है, पर वो चीज़ें जो मुझे वाकई खुशी देती हैं। ऐसी क्या आदत है जिसको छोड़कर मेरा जीवन और खुशहाल हो सकता है? इन सब प्रश्नों के जवाब खुद तक आने दीजिए। एक लंबी गहरी सांस भरें और एक सफ़ेद रंग का प्रकाश महसूस करिए कि आपकी सांस के साथ वो शरीर के अंदर भर रहा है और एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ाए जा रहा है। ये ऊर्जा
आपकी सहायता करेगी हर उस आदत को बदलने में जो आपका भला नहीं कर रही। एक और बार पूछें, मैं अपने आप को किस तरह से देखना चाहता हूँ, मैं किस जीवन को सफल मानता हूँ और उसको हासिल करने के लिए मुझे किस तरह के कर्म करने की ज़रूरत है। इन प्रश्नों के जैसे ही उत्तर आप तक आते हैं, उन्हें आप याद रखिए। इस सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाइए और उस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए कि अब हर पल वो आपकी सहायता करने में अग्रसर है। सांस अंदर भरें और अगली सांस छोड़ते हुए शरीर से बचे हुए डर संकोच को भी जाने दें। हर तरह के तनाव को अब आप परे कर चुके हैं और एक नए जीवन की नई दिशा चुन चुके हैं। धीरे धीरे इस शक्ति को अपने अंदर समाते हुए हम धीरे से अब वापस आएंगे। अपने आसपास की सारी आवाज़ों को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इन्हें आँखों पर रखते हुए आँखें खोलिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। हर पल हर दिन कुछ समय ज़रूर इन सवालों को दोबारा मन में दोहराएं और जो भी जवाब आए उनको अपने जीवन में आने दें, अपने जीवन में किसी भी तरह के बदलाव लाने दें।